Hi, this is NH Green from Green English. I'm going to start English grammar in a very simple way from basic to advanced. सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्रामर से. ग्रामर कहते किसको हैं? ग्रामर जो होता है किसी भी लैंग्वेज का सब बेसिस होता है, पिलर होता है. इस पे जो है लैंग्वेज टिका हुआ होता है. इट इज़ द बेसिस ऑफ अ लैंग्वेज. किसी भी भाषा को सीखने के लिए, सही सही सीखने के लिए, सही सही बोलना, लिखना और पढ़ना, या पढ़ना लिखना और बोलना, किसी भी लैंग्वेज को अगर सही सही हम सीखते हैं तो वो ग्रामर के द्वारा सीखते हैं. तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं थ्रू विच We learn how to read, write, and speak a language correctly. Okay. अब यहाँ पे हमने एक चीज़ सीखा. ग्रामर जो है किसी भी लैंग्वेज का बेसिस होता है. हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है. जैसे इंग्लिश की अपनी इंग्लिश ग्रामर है, सेम हिंदी की अपनी है, इसके अलावा फ्रेंच की अपनी है, रशियन लैंग्वेज की अपनी है. जितने भी लैंग्वेज हैं सबकी अपनी अपनी ग्रामर है. अब हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर कहते किसको हैं? इंग्लिश ग्रामर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन करीबन यहाँ से बिल्कुल सेम ही रहेगा, सिर्फ उसमें चेंजेज हो जाएंगी. ग्रामर जो है यह किसी भी लैंग्वेज का बेसिस है और इसके द्वारा हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, लेकिन जब वो इंग्लिश की बात होगी तो वो इंग्लिश ग्रामर हो जाएगी. यानी यहाँ कह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर इज अ साइंस थ्रू विच वी लर्न हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली. तो यहाँ पे हम सिर्फ ऐड जो करेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली अगर ऐड करते हैं तो ये डेफिनेशन हो गई इंग्लिश ग्रामर की. अब पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर देखते हैं. पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. इसके लिए सबसे पहले हम कुछ लाइंस को लिखते हैं. जैसे एक नंबर में मैंने लिखा ए B, C, M, N, Q. दूसरे लाइन में मैंने लिखा काउ, बॉय, कैट. तीसरी लाइन में ही इज अ स्टूडेंट. ओके. चौथे लाइन में हमने कुछ चिन्ह दिए, जैसे कॉमा का चिन्ह दिया, फुल स्टॉप का चिन्ह दिया, कॉलन का दिया, सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स. और सबसे लास्ट वाले लाइन में हमने एक पोएम की कुछ लाइन्स लिख दी, जैसे वाटर वाटर एवरीवेयर. ये बहुत फेमस लाइन है, एस टी कॉलरिज के द्वारा लिखी हुई एक पोएम है, द राइम ऑफ द एंशियंट मरिनर, उसी से मैंने ये लिया है. एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक. फिर ये लाइन रिपीट है, वॉटर वॉटर एवरीवेयर nor any
ड्रॉप टू ड्रिंक। अब पहले लाइन में जैसे मैंने ए बी सी एम एन क्यू यानी कुछ लेटर लिखे हैं, तो जिसमें हम लेटर की स्टडी करें, अक्षरों की स्टडी करें, उसे हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं, उसे हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं। ऑर्थोग्राफी में हम स्टडी ऑफ लेटर्स, टाइप्स ऑफ लेटर्स, और इसके अलावा सिस्टम ऑफ जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग के सिस्टम, स्पेलिंग के बारे में जो हम जानकारी लेते हैं, सिस्टम ऑफ स्पेलिंग, इसमें हम सीखते हैं। इट डील्स, वी कैन से इट डील्स विथ लेटर्स। यहाँ पे हम लेटर की स्टडी, लेटर के टाइप और सिस्टम ऑफ स्पेलिंग सीखते हैं। दूसरे लाइन में है जो काउ बॉय कैट, ये हम देखते हैं ये शब्द हैं, तो जिसमें शब्द की जो है जानकारी हम लें या ये शब्दों का अध्ययन है, तो उसे हम एटीमोलॉजी कहते हैं। इसमें हम शब्दों के ओरिजिन, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, हिस्ट्री, और शब्द कैसे बने, उनकी रचना कैसे हुई, और उसके मीनिंग को जो है, मीनिंग का अध्ययन हम करते हैं। तीसरे लाइन में मैंने लिखा है ही इज अ स्टूडेंट, ये एक वाक्य है, तो जिसमें हम वाक्यों की जानकारी लेते हैं, सही सही वाक्य बनाते हैं, उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। इसमें द अरेंजमेंट ऑफ ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस, ये हमारा सिंटैक्स हो गया। इसके बाद कुछ चिन्ह है जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, तो जिसमें चिन्हों की जानकारी ली जाती है, उसे हम पंक्चुएशन कहते हैं। पंक्चुएशन कहते हैं, पंक्चुएशन जो है यहाँ कह सकते हैं इट डील्स विथ द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग, डिवाइडिंग सेंटेंसेज। विथ द हेल्प ऑफ पॉइंट्स, स्टॉप्स और मार्क्स, कोई भी चिन्ह के द्वारा। लास्ट में मैंने जो पोएम की लाइन लिखी है, वॉटर वॉटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, वॉटर वॉटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, ये जो है एक पोइट्री की लाइन है, या कोई प्रोज की भी लाइन हो सकती है, कोई स्पीच भी हो सकती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रोसडी कहेंगे। प्रोसडी जो है यह डील करता है, इट डील्स द पैटर्न ऑफ साउंड एंड रिदम इन पोएट्री एंड स्पीच। तो यहाँ पे जो है रिदम, रिदम जैसे इसमें एक लय है, एक म्यूजिक है, और इसके अलावा जो हम देखें तो ये वॉटर वॉटर एवरीवेयर, ये लाइन जो है यहाँ भी रिपीट हो रही है। इसके अलावा हम राइम स्कीम की बात करें तो यहाँ एवरीवेयर है, फिर यहाँ एवरीवेयर है, यहाँ श्रिंक है, यहाँ श्रिंक से ड्रिंक जो है मिल रहा है। तो ये जो आपका राइमिंग है, ये राइमिंग की भी स्टडी होती है, और ये स्टडी जो है स्पीच में भी होती है और पोएट्री में भी होती है। तो यहाँ पोएट्री में हुई, तो ये यहाँ पे हमने सीखा सबसे पहले कि
ग्रामर किसको कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर किसको कहते हैं, और इंग्लिश ग्रामर जो है यहाँ पे पूरे पांच हो गए, यानी इंग्लिश ग्रामर जो है ये पूरे पांच पिलर पे स्टैंड है। पांच पिलर की जानकारी लेंगे तो हम इंग्लिश सही सही सीख सकते हैं। तो इसमें हम जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो इटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी और सिंटैक्स, यहाँ पे पंक्चुएशन भी है, इसकी हम जानकारी जो है लेंगे। अब हम सीखते हैं ऑर्थोग्राफी किसको कहते हैं। ऑर्थोग्राफी किसको कहते हैं ये तो ऑलरेडी हमने सीख लिया है, लेकिन ऑर्थोग्राफी में जो लेटर हैं, जो लेटर्स हैं, उनके डिटेल्स की अभी हम जानकारी लेंगे। तो ऑर्थोग्राफी जो है वो स्टडी ऑफ क्या है, लेटर्स है। अब लेटर्स जो है जैसे आपका ए बी सी, इंग्लिश में जो ये पूरे होते हैं जेड तक होते हैं, यानी 26 होते हैं। इन 26 को उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट में 26 लेटर इंग्लिश में होते हैं। लेटर कहते किसको हैं, लेटर जो है एक साउंड है, एक ध्वनि है जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये लेटर के डेफिनेशन है। लेटर की अगर बात करें किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, तो लेटर इंग्लिश लेटर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स जो हैं वो आपके रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। जबकि अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। लेटर दो तरीके से लिखे जाते हैं, लेटर्स जो है हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक को हम कैपिटल लेटर कहेंगे, दूसरा हमारा स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर जैसे ए बी सी हम बड़ा लिख रहे हैं, यहाँ स्मॉल जो छोटा हम लिखें, ये हो गए हमारे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटर की, टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला जो है वॉवेल, इसको हम वॉवेल्स कहेंगे, ये पांच होते हैं जो ए ई आई ओ और यू हैं। इनके डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो ये बिना किसी के सहायता से जो है प्रोनाउंस होते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन जो है बिना किसी की सहायता से होगा, उच्चारण किसी के सहायता से होगा। तो यहाँ पे पूरे जो हैं वॉवेल्स पांच हुए, लेकिन ये पांच वॉवेल जो है इंग्लिश में स्टैंडर्ड अगर प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए, जिसे हम रिसीव प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, वो 44 पूरे प्रोनाउंसिएशन होते हैं इंग्लिश में, 44 साउंड्स होते हैं। 44 में 20 साउंड जो है अकेला वॉवेल्स के द्वारा निकलता है। जैसे ए ए अगर वॉवेल की बात करें तो ए से अ भी हम साउंड कर सकते हैं, ए से आ का भी साउंड आता है, ए से ए का भी साउंड आएगा, आए का भी साउंड आता है। तो ये जो है इस तरह करके ये पूरे 20 साउंड जो हैं इससे हम निकाल सकते हैं। हिंदी में जो होते हैं वॉवेल्स, वॉवेल साउंड्स, वो हिंदी में पूरे 12 होते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। यहाँ पे हम देखते हैं ये जब भी साउंड आएंगे तो वो आपके वॉवेल होंगे, क्योंकि हम जब भी किसी चीज को प्रोनाउंस करेंगे इनमें से कोई भी आए, जैसे ओ आ ई ई उ उ, इस तरह जो भी साउंड, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम कहते हैं जैसे ओ एन ई, तो यहाँ पे ओ का जो साउंड व आता है, जो कि व जो है वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं है, तो इसलिए व जो है वॉवेल साउंड नहीं हुआ, ये
कॉन्सोनंट साउंड हुआ। सेम यहाँ पे यूनिक, यू से शुरू है जो कि वॉवल लेटर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है इसकी जो साउंड है वो यू है, इसलिए ये भी जो है आपका ये कॉन्सोनंट साउंड हुआ। सेम है जो यहाँ पे आवर, यहाँ पे ऑ साउंड आ रहा है, यहाँ पे एम ए साउंड आ रहा है, तो ये आपका वॉवल है, ये कॉन्सोनंट से होते हुए भी ये वॉवल साउंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इस चीज को देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं कॉन्सोनंट। कॉन्सोनंट साउंड्स जो हैं वो पूरे 19 या 21 हम कह सकते हैं। अगर सेमी वॉवल को ऐड करेंगे तो 21, नहीं तो 19 हमारे जो हैं पूरे साउंड होंगे कॉन्सोनेंट्स। क्लियर? इन इनकी जो डेफिनेशन होगी, ये बिना वावल की सहायता से प्रोनाउंस हो ही नहीं सकते। इनको प्रोनाउंस करने के लिए वावल की जो है सहायता की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। तो ये होते हैं जैसे बी सी डी ई, आपके जो हैं वॉवेल हो गया, तो एफ जी, इस तरह से पूरे 19 या 21। जो थर्ड है, थर्ड पार्ट है, वो है सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स जो हैं ये दो होते हैं, एक डब्ल्यू और एक वाई। इनमें जो होती है ये वॉवेल की क्वालिटी होती है और कॉन्सोनेंट का फंक्शन होता है, कॉन्सोनेंट की तरह ये काम करते हैं। अगर किसी भी शब्द के शुरू में अगर ये हो, जैसे वॉक, वे, ये शुरू में है, ईयर, तो यहाँ पे जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड की तरह काम करते हैं, कॉन्सोनेंटल साउंड की तरह। लेकिन जब ये बीच में या अंत में हो तो ये वॉवल की तरह काम करते हैं, जैसे नाउ, लो, स्पाई, यहाँ पे जो है ये वॉवल साउंड की तरह काम करते हैं।